कांड बहुत गंभीर मामला है। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ पब्लिक की सुरक्षा करने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले सिपाहियों ने, पुलिस वालों ने उसके साथ बदसलूकी की। धर्म को लेकर के, उनके पढ़ने को लेकर के, मजहब को लेकर के, जो हिंदुस्तान का वातावरण दूसरी जगह है, ऐसा बाड़मेर आज तक नहीं हुआ, पहली बार उन्होंने किया, उसको लेकर लोगों में रोष है। उस संबंध में कल कुछ लोग एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने विश्वास दिलाया था कि FIR दर्ज होगी, कार्रवाई होगी, ऐसा हुआ नहीं, इसलिए काफ़ी लोग आए हैं और उनको ये बताया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। किया किसने था, क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी? पढ़ने वाला बच्चा अहमद अली जो 12th क्लास सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, रात को अपने भाई को ट्रेन पे छोड़ने गया था, छोड़ के वापस जा रहा था, तो गश्त वाले जो पुलिस की गाड़ी उठा के थाने ले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने उसके प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मांगे, रेजिडेंस संबंधी उन्होंने वो दिखाए, दिखाने के बावजूद उन्होंने एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का होने के कारण उसके साथ जो उन्होंने बदसलूकी की, उसको लेकर के रोष है, उसके संबंध में ज्ञापन देना है। पुलिस कर्मियों ने, वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने, आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ़ मुकदमा हो, देश का जो कानून में उनके खिलाफ जो बनता है वो कार्रवाई हो। तो मुकदमा दर्ज करने के लिए एसपी साहब को हमने कहा, परिवाद दायर उन्होंने कर दिया लेकिन मुकदमा उन्होंने दर्ज नहीं किया, उसी को लेकर के आज ज्ञापन दिया। और जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं, कार्रवाई नहीं होगी तो मामला काफ़ी गंभीर है, पूरे मुस्लिम समाज में ये रोष है और मामला आगे बढ़ भी सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सही बात नहीं बता रहा, उसके बाद में मेरी पिटाई कर दी गई, हमारे दाद में Thank you.